खबर दिन भर मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने ब्लॉक और मंडल कमेटी को भंग कर दिया है। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्लॉक कांग्रेस और मंडल कांग्रेस कमेटी को भंग किया है। मिली जानकारी के अनुसार डोटासरा ने बीते दिनों ब्लॉक मंडल जिला अध्यक्षों और प्रभारियों से मिले फीडबैक के आधार पर कमेटियों को भंग किया। भजनलाल सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर पिछली गहलोत सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने वर्तमान में व्याप्त बिजली संकट को लेकर इसका ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि बिजली खरीदने के पैसे तो थे नहीं, इसलिए उधार की बिजली ले ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार उधार का सांप हमारे गले में डाल गई है। कांग्रेस के पास बिजली खरीदने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन लोगों को राशन और मोबाइल बांटे गए। मदन राठौर का स्वागत करने के लिए राजस्थान सरकार में मंत्री जोराराम कुमावत और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी अपने समर्थकों के साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, मगर एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसकी क्या वजह रही ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन मंत्री के एयरपोर्ट गेट पर इंतजार करने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री के साथ मौजूद नेतागण सुरक्षा कर्मियों से ये पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप मंत्री को कैसे रोक सकते हैं। हालांकि 1 मिनट 32 सेकंड के इस वीडियो में सुरक्षा कर्मी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। वैसे तो एम्बुलेंस का इस्तेमाल बीमार और घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन राजस्थान में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ जिले में एक मामला ऐसा सामने आया जो एक एम्बुलेंस की आड़ में 125 करोड़ रुपए की अफीम डोडाचूरा पुलिस ने पकड़ा है। जिला के रावतभाटा थाना पुलिस ने एक एम्बुलेंस में भरा 125 करोड़ से अधिक कीमत का 850 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया। बारिश और घने जंगल होने की वजह से आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। राजस्थान राशन विक्रेता संघ के आह्वान पर झालावाड़ जिले के राशन डीलर भी हड़ताल पर चले गए। ऐसे में गरीबों को राशन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब सहकारिता विभाग की ओर से संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से राशन वितरण करवाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा सहकारिता आयुक्त ने भी विभाग के माध्यम से संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति के राशन दुकानों को हड़ताल में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए हैं। घग्गर नदी में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से बरसाती पानी हनुमानगढ़ जिले में पहुंचना शुरू हो गया है और नदी में हनुमानगढ़ में आज करीब 1600 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिसने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी। पिछली बार नदी में भारी मात्रा में पानी आया था, जिससे हनुमानगढ़ में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और करीब 1 महीने पुलिस प्रशासन सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक दिन रात अलर्ट मोड पर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5000 साल पहले महाभारत के बजाय कांग्रेस नेता को 50 साल पहले की बातों को देखना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी ने देश को कुचलने का काम किया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक्स के ईडी छापे की योजना वाले पोस्ट को लेकर निशाना साधा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के इत्र मीडिया से कहा कि वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट भेजी गई थी, केंद्र सरकार ने भी जानकारी दी थी, फिर भी उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं समझा। वो इतने गंभीर मुद्दे को ध्यान हटाने के लिए भाजपा पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं। मयूर विहार में एक माँ और बेटे की मौत पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मृत्यु में भी अगर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है तो ये शर्मनाक है। चाहे कोई भी विभाग हो, अगर उसकी लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी थी नालों की सफाई करवाना, लोग सड़क पर पैदल चले और मर गए। ऐसी दिल्ली की कल्पना हमने कभी नहीं की थी और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर की घटना पर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, सच सामने आ जाएगा। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हीरोइन की तस्करी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान तस्करों ने भारतीय सीमा में करोड़ों रुपए की हीरोइन भेजी, लेकिन मुस्तैद पुलिस जवानों ने न केवल हीरोइन की इस बड़ी खेप को पकड़ा बल्कि सप्लाई देने आए तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। बरामद की गई हीरोइन के खेप पिछले हफ्ते भारतीय सीमा में पहुंची थी। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।